खबर पटना से है, जहां बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसको देखते हुए बीती रात जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा सड़कों पर उतर आए और हड़ताली मोड़ के पास अचानक मास्क चेकिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान जो लोग बेवजह घूमते नजर आए, उनसे नाइट कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू की योजना बनाई है। इसकी सफलता के लिए कोषांग के वरीय अधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक में रणनीति बनाई गई थी। बैठक में नाइट कर्फ्यू के तहत सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए, जिसका वे लोग पालन करवा रहे हैं। 9% लोग जो हैं वो स्वेच्छा से अनुपालन कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू का भी, और दुकान भी हम लोगों ने देखा कि शाम को स्वतः स्फूर्त था, लोगों ने बंद किया है। समझ में आया है कि जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रात में अभी निकल रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग करके, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ तो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं उनको हम लोग फाइन कर रहे हैं और उनका वाहन भी जब्त किया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो 1% अगर लोग घूम रहे हैं उनसे क्या अपील? उनसे अपील यही है कि सरकार का जो निर्णय है ये आपके ही हित में है, आपकी सुरक्षा के लिए इसका पालन करें। साथ ही उन्होंने लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है।